एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो रेसिपी से रिलेटेड नहीं है। आज हम करने वाले हैं मेरे किचन का टूर। तो मैं ये सारे कैबिनेट्स आपको ओपन कर करके दिखाऊंगी कि मैंने अपने किचन को कैसे अरेंज किया है। इस वाले स्लैब पे मैंने अपना स्टोव रखा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है। इसके साथ में मैंने यहाँ ऑयल डिस्पेंसर, घी, वो सब अरेंज किया है। इसके बाद में जो सबसे पहला कैबिनेट है उसमें मैंने छोटे वाले स्पून, सीज़र, नाइफ वो सब रखा हुआ है। और ये वाला कैबिनेट है चाय स्टेशन, जहाँ पे मैंने अदरक, इलायची, चीनी, चाय पत्ती, गुड़ वगैरह अरेंज किया है। इसके ठीक नीचे वाले कैबिनेट्स में मैंने सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, रोज़, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, कॉफ़ी, वो सब अरेंज कर रखा है। फ्रेंड्स, मेरा किचन काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट रखा हुआ है क्योंकि फ्रूट दिखता रहता है तो खा लेते हैं, वरना फ्रिज में रहता है तो याद ही नहीं रहता है। ऐसा शायद सबके साथ होता होगा। फ्रूट्स के ठीक पास में मैंने मसाला स्टैंड रखा हुआ है और यहाँ मैं पीने का पानी रखती हूँ। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कि ये कितना बड़ा स्लैब है। काफ़ी आराम से आप यहाँ कुकिंग कर सकते हो। इसमें एक्चुअली दो या तीन जने आराम से खड़े होकर एक साथ कुकिंग कर सकते हैं, जिनका फैमिली बहुत बड़ा होता है। ऊपर के कैबिनेट्स में मैंने जो एक्स्ट्रा सामान या काफ़ी भारी सामान होता है वो सब रखा हुआ है, जो हमें डेली यूज़ में नहीं काम आते। और ये वाली अलमीरा मेरे पूरे किचन में मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो सामान अरेंज किया है जो मुझे वीडियो के लिए यूज़ करना रहता है। यहाँ पे मैंने विस्कर, फूड कलर, कोको पाउडर, ट्रेस, वो सब रखा हुआ है जो मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे पिकल्स, पीनट्स बटर और जो न्यूटेला मैंने बनाया था वो रखा हुआ है। और ऊपर मैंने कप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपना मिक्सर को अरेंज किया है और इसके ठीक ऊपर जो भी खाली डिब्बे होते हैं एक्स्ट्रा वो सब रखे हुए हैं, ताकि यहाँ पे मैंने यूनी रैप्स, चाउमीन, मैगी और मैदा वो सब अरेंज कर रखा है। और ऊपर सामान भी मैं वीडियो में ही यूज़ करती हूँ, जो कांच के डिब्बे में रखे हुए हैं। और डेली के लिए जो मैंने मसाले हैं वो मैंने इसमें अरेंज कर रखे हैं। यहाँ पर मैंने किचन क्लीनर, डेटॉल, हैंड वॉश वो सब रखा हुआ है, और ये मिरर साफ करने के लिए। इस वाले ड्रॉर में मैंने सारी दालें अरेंज की है और वर्मिसली, दाल मखाना, पोहा, सूजी, राजमा वो सब भी अरेंज किया है। और ये ट्रांसपेरेंट में है इसलिए मुझे दिखता रहता है कि कौन सा डिब्बा में क्या चीज़ है। और इस वाले में मैंने सारे कैसरोल रखे हुए हैं और इडली स्टैंड है उसके साथ। नीचे वाले में मैंने आटा रखा है और एक्स्ट्रा ऑयल रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सामान अरेंज कर रखा है, टिश्यू पेपर, पापड़, चिप्स वगैरह। और जो सामान एक्स्ट्रा बच जाता है उनका पैकेट्स मैंने एक डिब्बे में रबर बैंड लगा के स्टोर किया हुआ है। कुछ सामान मैंने यहाँ पे भी अरेंज करा हुआ है, जैसे साइट्रिक एसिड और ये काला नमक वगैरह का बॉक्स है। और इसके पास में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये मैंने किचन टॉवल्स रख रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने छोटी बड़ी प्लेट्स, अपम मेकर और ट्रे वगैरह, ग्लासेस वगैरह सब रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सारी कढ़ाई अरेंज कर रखी है और उसके साथ में कुकर, छोटी कटोरीज, छोटी प्लेट्स वो सब रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने डस्टबिन रखा हुआ है जो कि किचन सिंक के ठीक नीचे है। पाउडर वो वाला का डिब्बा रखा हुआ है।